हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेवी इक्विपमेंट जो ऑपरेटर होते हैं उनके सेफ्टी के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहां पर जो है हेवी इक्विपमेंट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे वर्क प्लेस में कि जहां पर हेवी इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है तो वहां पर जो है सालाना जो है हजारों जो वर्कर्स है वो इस हेवी इक्विपमेंट के चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ जो वर्कर्स होते हैं उनको काफी जो है सीरियस चोट पहुंचती है, इंजुरी होती है, और यहां तक कि कुछ जो वर्कर्स होते हैं उनकी तो डेथ भी हो जाती है। अब इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं इनका सबसे बड़ा कारण होता है उस हेवी इक्विपमेंट का रोल ओवर हो जाना, या फिर बैक ओवर हो जाना, या फिर कोलिजन हो जाना, या फिर फायर हो जाना। अब इसमें से अधिक जो घटनाएं हैं वो हेवी इक्विपमेंट के संपर्क में आने के कारण होती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर हमें सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसलिए हेवी इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी यहां पर घटनाएं हुई है तो उनको कम करने के लिए ओशा ने यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है कुछ जो है यहाँ पर सुरक्षा जो नियम है वो यहाँ पर सुझाव किए गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वो क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला है वो है अवॉइड ब्लाइंड स्पॉट। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हेवी इक्विपमेंट को ऑपरेट करना हो या फिर बैक करना हो तो उस समय जो है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो इक्विपमेंट है उसके पीछे कोई है तो नहीं है, या फिर उसके नीचे कहीं कोई जो है वो छाव में जो है आराम तो नहीं कर रहा है, वो हमें देखना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का सेकंड रूल है वो है मेंटेन कम्युनिकेशन। अब जैसे कि कम्युनिकेशन के माध्यम से हेवी जो इक्विपमेंट्स है उसमें होने वाले जो भी खतरे हैं उनको रोका जा सकता है। अब कम्युनिकेशन के लिए ड्राइवर जो है अपने सहचालक हो या फिर ग्राउंड क्रू हो या फिर वहां पर उपस्थित जो भी सुपरवाइजर है उसका भी जो है वो वहां पर हेल्प ले सकता है। अगर हो सके तो कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी का भी प्रयोग वहां पर किया जा सकता है। फिर उसके बाद का थर्ड रूल है वो है ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, यानी कि सीट बेल्ट जो है वो हमें हमेशा लगाना है। जब भी हम हेवी इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं तो उस समय जो है सीट बेल्ट लगाना काफी अनिवार्य होता है, क्योंकि यह नियम भी सभी देशों में लागू है। लेकिन अगर इसको कोई अगर फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए जो है आप वहां पर पनिशमेंट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है वो है लोड एंड अनलोड सेफ्टी, यानी कि जब भी हम हेवी इक्विपमेंट से लोडिंग कर रहे हो या फिर अनलोडिंग कर रहे हैं तो उस समय जो है हमें सेफ्टी का वहां पर ध्यान रखना है। जैसा कि किसी भी मटेरियल को लोड या फिर अनलोड करने से पहले हमें ये देखना काफी जरूरी होता है कि जो भी इक्विपमेंट है वो वहां पर जो सेम लेवल है वहां पर खड़ा है या फिर नहीं है। अगर वो जो इक्विपमेंट है अगर सेम लेवल पर वहां पर खड़ा नहीं है तो लोड या फिर अनलोड करते समय जो है वो जो इक्विपमेंट है वो वहां पर फिसलने की भी वहां पर काफी संभावना होती है। और एक बात है कि जब भी आप हेवी इक्विपमेंट के जरिए लोडिंग या फिर अनलोडिंग का जो है वो काम कर रहे हो तो आपको जो है वहां पर वो काम चालू करने से पहले देखना है कि उसके नजदीक में जो है कोई पर्सन तो वहां पर खड़ा नहीं है, तो वो चीज भी जो है आपको यहां पर इंश्योर करनी होती है। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है वो है वॉच लोड लिमिट्स, यानी कि जो भी लोड है उसकी लिमिट क्या है उसको भी हमें यहां पर देखना है। जैसा कि किसी भी लिफ्टिंग या फिर हेवी इक्विपमेंट को उसकी क्षमता जांचे बिना हमें उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर को ये पता होना चाहिए कि जब अगर उसकी जो लिमिट है उसको अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, उससे ज्यादा अगर मटेरियल वहां पर लोड कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो है क्या वहां पर स्थिति निर्माण हो सकती है। तो इसके लिए जो भी लोड है उसकी लिमिट्स क्या है उसको हमें देखते रहना है। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है वो है कि आपकी जो भी स्टेप है उसको वॉच करना। जैसा कि काम के लिए जो भी स्टेप आप शुरू कर रहे हैं तो उसे जो है भली भांति जो है आपको वहां पर परख लेना है। हेवी इक्विपमेंट को जब भी हम माउंट या फिर डिसमाउंट करते हैं तो उस समय जो है जोखिम वहां पर जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि वहां पर चोट लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। मतलब जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम के दौरान अगर आपने एक गलत स्टेप वहां पर ले लिया तो उसकी वजह से जो है आपको दुर्घटनाओं का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जो भी स्टेप आप उठा रहे हो तो उसको जो है आपको भली भांति देखना है कि वो जो स्टेप है वो सही है या फिर नहीं है।
फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि जो भी इक्विपमेंट है उसको आपको डबल चेक करना है कि उसको जो है आपने प्रॉपरली जो है वो टर्निंग ऑफ किया है, बंद किया है। क्योंकि जब भी आप हेवी इक्विपमेंट का काम खत्म होने के बाद जब उसको बंद करते हो और नीचे उतर जाते हो तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो जो इक्विपमेंट है वो रनिंग कंडीशन में रहता है। तो इसलिए जो है आपको वहां पर देखना है कि वो वहां पर बंद है या फिर नहीं है, क्योंकि चालू हालात में जो है कई बार इक्विपमेंट जो है वहां पर लुढ़क सकता है और जो भी वर्क प्लेस है वहां पर जो है दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। तो इस प्रकार ये जो है ये कुछ सेफ्टी टिप्स है जो हेवी इक्विपमेंट जो ऑपरेटर्स है उसको पता होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर के सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।